नमस्कार, मैं वरुण बाबुल गोसाई का समाचार से 26 फरवरी 2019 दिन मंगलवार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा चौथे दिन बिहार में 48 निष्कासित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक दसवीं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का सोमवार चौथा दिन था। राज्यभर में चल रही बोर्ड परीक्षा में 25 फरवरी को दसवीं गणित का पेपर था, जिसमें कई जिले से कुल 48 छात्रों को नकल करने के कारण निष्कासित किया गया। छात्रों का यह निष्कासन 25 फरवरी 2019 को दोनों पालियों में हुई परीक्षा के दौरान हुआ, जिसमें नालंदा जिले में एक, भोजपुर जिले में एक, वैशाली में एक, गोपालगंज में एक, दरभंगा में एक, मधुबनी में एक, भागलपुर जिले में तीन, लखीसराय में एक, शेखपुरा में एक एवं एक अन्य को दूसरे के बदले में परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। भागलपुर पीएचडी करने के 6 माह बाद ही बन गए प्रोफेसर। भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पदोन्नति में अजब गजब का खेल खेला गया है। एक शिक्षक को पीएचडी करने के 6 माह बाद ही प्रोफेसर और फिर कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया है। उक्त शिक्षक को पदोन्नति कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे के कार्यकाल में दी गई थी। ऐसे और भी शिक्षक हैं जिन्हें पीएचडी करने के पूर्व ही पदोन्नति का लाभ दिया गया है। वहीं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षकों की पदोन्नति के संबंधित मामले में जांच की जाएगी। इसके लिए सामान्य विभाग को निर्देश दिया गया है, विश्वविद्यालय में फाइल मंगवाकर जांच की जाएगी। भागलपुर बस दुर्घटना में दर्जन भर यात्री घायल। भागलपुर अमरपुर से भागलपुर आ रही बलराम श्री यात्री बस हबीबपुर थाना क्षेत्र के दाऊदवाट सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में दर्जन भर यात्री घायल हो गए। गंभीर रूप से एक बच्चे समेत 5 महिलाओं को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामूली रूप से घायल 6 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों ने बताया कि चालक तेजी और लापरवाही से बस चला रहा था। आगे से जा रही एक एम्बुलेंस को ओवरटेक और स्टीयरिंग छोड़कर गुटखा खाने के दौरान बस पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही हबीबपुर थाने के इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बस का चालक और खलासी फरार हो गया। नवगछिया लोकसभा चुनाव के पूर्व जोनल आईजी विनोद कुमार पहुंचे नवगछिया की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। सोमवार को जोनल आईजी विनोद कुमार नवगछिया एसपी कार्यालय में सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कुख्यात अपराधियों पर सीसीए प्रस्ताव भेजने, फरार लंबित अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, लंबे मामलों का निष्पादन एवं संवेदन एवं अति संवेदनशील बूथों के पास रक्षा एवं उसे चिन्हित करने, साथ ही शराब कारोबारी को पकड़ने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में नौगछिया एसपी निधि रानी, एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती सहित नौगछिया अनुमंडल के सभी थाने के थानाध्यक्ष एवं कई आला अधिकारी मौजूद थे। नवगछिया नहाने के दौरान डूबे युवक का शव 3 दिनों के बाद बरामद। गुरुवार को तिंटेगा घाट से दक्षिणी ज्ञानी दास टोला गंगा घाट के पास नहाने के दौरान डूबे विशनपुर निवासी राजेश मलिक की मौत हो गई थी। नहाने के दौरान डूबे राजेश का शव प्रशासन की मदद से सोमवार सुबह बरामद किया गया। मृत राजेश मलिक की पत्नी पुतली देवी ने बताया कि राजेश मजदूरी करता था, उसके पास काम करने से ही पूरे परिवार का पालन पोषण चलता था। वहीं देर शाम नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कर सबको परिजन को सौंप दिया गया। नवगछिया ट्रक ओवरटेक करते चालक को दबोचा। सोमवार सुबह चौसा भटगामा से भागलपुर की तरफ जा रही ट्रक के ओवरटेक करने से नौगछिया 0 माइल के समीप घंटों लंबा जाम लग गया। स्थानीय प्रशासन ने ओवरटेक कर जाम लगाए ट्रक को जब्त कर लिया है। ट्रक चालक अक्षर कुमार व खलासी सुभाष कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। नवगछिया गणित की परीक्षा में परीक्षा देने के दौरान छात्रा हुई बेहोश। नवगछिया अनुमंडल के
बाल भारती नौगछिया में मैट्रिक गणित की परीक्षा दे रही 83 की छात्रा सीमा कुमारी गणित विषय की परीक्षा देते समय बेहोश हो गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से अनुमंडलीय अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। नवगछिया, नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुआ युवक। सोमवार को मधुबनी से मजदूरी कर अपने घर लाखों बेगूसराय लौट रहे युवक रामाशीष पासवान नशाखुरानी गिरोह का शिकार हो गया। सीमांचल एक्सप्रेस से बेहोशी के हालत में सोमवार को नौगछिया जीआरपी ने रामाशीष पासवान को उतारा। तत्काल उपचार के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार किया गया। वहीं नशाखुरानी गिरोह के शिकार हुए रामाशीष पासवान के बड़े भाई विपिन पासवान ने बताया कि रामाशीष मधुबनी में राजमिस्त्री का काम करता था। सोमवार सुबह 5 बजे करीब मधुबनी से सवारी गाड़ी पकड़ बेगूसराय जा रहा था। रामाशीष के पास लगभग 30,000 रुपए व मोबाइल था। नशाखुरानी गिरोह के द्वारा चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर पैसा व मोबाइल ले लिया गया। वहीं रामाशीष को सीमांचल एक्सप्रेस में बिठाकर छोड़ दिया। नौगछिया स्टेशन पर रामाशीष बेहोशी के हालत में था। नौगछिया जीआरपी की मदद से अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी उपचार की गई। NH31 जाम बना वरदान। नाना ने किया नाती का अपहरण, लेकिन NH31 पर लगे जाम ने बचा ली मासूम की जिंदगी। एक परिवार के लिए NH31 जाम वरदान साबित हुआ। जाम के कारण ही इस परिवार के मासूम रौनक के अपहरण के बाद भी अपहरणकर्ता उसे लेकर भाग नहीं पाए। वहीं पुलिस ने तो त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद करने के साथ साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह भी है कि बच्चे की अपहरण का प्रयास हाल ही में जेल से अपने ही बेटे के हत्या के सजा काट कर निकले उसके नाना ने ही किया था। दरअसल मामला कटिहार बरारी थाना क्षेत्र के गुरु बाजार के रहने वाले मखाना कारोबारी अमित चौधरी के पुत्र रौनक के अपहरण और बरामदगी से जुड़ा है। रौनक की मां उपासना देवी ने मामा धर्मेंद्र चौधरी बीते शाम चॉकलेट देने और मेला घुमाने के लालच देकर अपने नाती को बाला फुसला कर चुपचाप लेकर निकल जाता है, पर घर से निकलने के कुछ दूर बाद ही वह NH31 जाम के कारण परेशान होकर कोढ़ा थाना क्षेत्र के डुमर पुल के पास एक गड्ढे में हाथ पैर बांध कर बच्चे को छिपा देता है। बहुत देर तक नाना और नानी नहीं लौटने पर परिजन भी गहराई से खोजबीन शुरू करते हैं। उसी क्रम में कोढ़ा थाना क्षेत्र के डुमर पुल के पास हाथ पैर बंधा हुआ हालत में रौनक की बरामदगी के साथ साथ आरोपी नाना धर्मेंद्र चौधरी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बच्चे को मोटरसाइकिल से बेगूसराय ले जाने की फिराक में था, जहां ले जाने के बाद वो शायद फिरौती का नया प्लान रचता, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। नवगछिया, नारायणपुर के भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र में युवक को मारी गोली, गंभीर अवस्था में भागलपुर रेफर। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के बिरवन्ना गांव में रात्रि करीब 8 बजे 30 वर्षीय पंकज यादव उर्फ जीवनानंद यादव जीवल को गांव के ही बुदल यादव ने बाएं छाती में पीछे से गोली मार दी। जख्मी हालत में परिजन ने उसे इलाज के लिए नारायणपुर के निजी क्लिनिक लाया। परिजनों ने घटना की सूचना भवानी पुलिस को भी दी। जख्मी के पिता खखन यादव ने बताया कि गांव के बदल यादव के दरवाजे पर आकर मेरे पुत्र जीवनानंद को गोली मार दी। उन्होंने बताया कि 1 माह से बदल यादव 1 लाख की रंगदारी मांग रहा था, रंगदारी नहीं देने पर गोली मारी है। वहीं जीवनानंद यादव अपने दरवाजे पर बैठा था, तभी बादल ने आकर पीछे से गोली चला दी। डॉक्टर की माने तो गोली छाती के बीचों बीच चीरते हुए बाहर निकल गई है। जख्मी को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया है। भवानीपुर ओपी के अवर निरीक्षक सुभाष यादव, परमहंस सिंह, मोहम्मद साहिद खान ने क्लिनिक पहुंचकर जख्मी का इलाज कराया। घटनास्थल पर क्लिनिक पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि पंकज को गांव वाले ने ही गोली मारी है, जांच की जा रही है। इधर पंकज के चाचा मखन यादव ने बुदल के खिलाफ भवानीपुर ओपी में रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। नारायणपुर, पटना ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। नारायणपुर प्रखंड के सनलाइट स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा आयोजित चैलेंज ट्रॉफी 2019 का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच पटना बनाम बरौनी के तेघरा के बीच खेला गया।
टॉस जीतकर पटना की टीम ने पहले बल्लेबाजी करके सभी विकेट खोकर 23 ओवर 3 गेंद में 201 रन बनाए। जवाब में तेगरा की टीम सभी विकेट खोकर 21 ओवर में मात्र 108 रन बनाकर ही मैच हार गई। पटना यह मैच 93 रन से जीता। मैन ऑफ द मैच पटना के नटवर को मिला। वहीं टूर्नामेंट में अंपायर प्रभास एवं सोएब, स्कोरर मिथिलेश, कमेंटेटर जलां तथा मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर चूहर पश्चिम के मुखिया ईशो यादव थे। नारायणपुर जेपी कॉलेज के प्राचार्य पर लग रहा बड़ा बड़ा आरोप, जाने पूरी खबर। नारायणपुर प्रखंड के जेपी कॉलेज नारायणपुर के प्राचार्य डॉक्टर विभांशु मंडल का विवादों से चोली दामन का साथ है। हर कॉलेज में यह विवादों में घेरे रहे हैं। जेपी कॉलेज नारायणपुर में श्री विभांशु मंडल के व्यवहार से क्षुब्ध होकर प्राचार्य के बिगड़े बोल, अभद्र भाषा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। कॉलेज कर्मी ने इस बारे में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय कुल सचिव, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के सचिव, संबंधित अधिकारी को आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि महिला कर्मी व एक अनुसूचित जाति के कर्मी को प्राचार्य द्वारा गाली देकर प्रताड़ित किया जाता है। इस बारे में कॉलेज कर्मी ने महाविद्यालय कर्मचारी संघ को आवेदन दिया। इस पर प्राचार्य ने संघ ने बातचीत किया तो बेनतीजा रहा। इसके बाद प्राचार्य ने वैसे कर्मी को बदलने की भावना से टारगेट करके कॉलेज में गाली देकर प्रताड़ित करने लगा। रोज महाविद्यालय पहुंचते ही जोर जोर से कॉलेज कर्मी पर चिल्लाकर कॉलेज की शांति को भंग कर चतुर्थ वर्गीय कर्मी पर दबाव बनाकर काम करवाया जा रहा है। प्राचार्य की नजर में सभी कर्मी चोर हैं। कुलपति को दिए गए आवेदन में 14 बिंदु पर जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं इस बारे में प्राचार्य डॉक्टर विभांशु मंडल ने कहा कि उन पर लगे सारे आरोप गलत हैं। वैसे इस बारे में मुझे कोई मालूम नहीं है। कर्मचारी ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय ने 27 फरवरी तक पद से श्री मंडल को जांच करके नहीं हटाया तो 28 फरवरी से कॉलेज में तालाबंदी करके कॉलेज कर्मी हड़ताल करेंगे। वहीं इस बारे में कुलपति लीला चंद साहा ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है, आरोपों की जांच की जा रही है, प्राचार्य से स्पष्टीकरण पूछा गया है, जवाब मिलने पर कार्रवाई होगी।